ओखला पक्षी विहार के लिए एनजीटी की ओर से उठाए गए इस कदम से जहां फ्लैट खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं ओखला पक्षी विहार में आने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिहाज से इसे काफी हद तक सही भी माना जा रहा है। इस मामले पर हमारी संवाददाता मनु लखोत्रा और नमित त्यागी ने ओखला पक्षी विहार का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओखला पक्षी विहार में और अंदर हम देखेंगे आखिर किस तरह से यहां पर पक्षी रहते हैं और क्या अंदर का वातावरण है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, मनु बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। नमित, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है क्योंकि ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में आते जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एरियाज हैं और बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर पोजेशन देने से रोक लगा दी गई है। और अभी हम अंदर चलेंगे और इस पूरे एरिया का हम जायजा लेंगे। चलते हैं मनु। ओखला पक्षी विहार में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा वातावरण है। ये है कालंदी डैम और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूर तक वो आप अगर नज़र जाएगी तो वो वहाँ पर देख सकते हैं डीएनडी फ्लाईओवर है और देख सकते हैं कि ओखला पक्षी विहार जो है यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, पक्षी यहाँ पर रहते हैं। अंदर भी चलेंगे, आप अंदर बताएंगे। मनु बताएं आखिर किस तरीके से यहाँ का वातावरण देखा जा रहा है, जो पक्षियों के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई, कितनी सहूलियत है पक्षियों के लिए। नमित, यहाँ पर 225 तरह की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं और जो कि प्रवासी पक्षी भी हैं जो यहाँ पर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीन टर्मिनल का ये बहुत बढ़िया फैसला है कि पक्षियों को बचाया जाए, सबसे पहली बात तो ये है। और लेकिन इस फैसले में ये सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि ये फैसला लेट लिया गया। अगर ये पहले ले लिया जाता, अगर बिल्डर्स को इस बारे में नॉलेज होती तो यहाँ वो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी ना करते। लेकिन अब क्या है, बिल्डर्स 53 जो बिल्डर्स हैं वो फंस चुके हैं। जेपी ग्रुप है, उनके 4000 फ्लैट्स हैं और जो निवेशक है जिन्होंने फ्लैट्स खरीद लिए हैं लेकिन ना ही बिल्डर्स उनको पोजेशन दे सकते हैं, ना ही उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो देखा जाए नमित, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से तो जो बिल्डर्स हैं और निवेशक, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार ये अभ्यारण है, इसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे अब उन पर रोक लगा दी गई है। और अगर मैं बात करूँ दायरे की तो कहीं ना कहीं साउथएक्स और इंडिया गेट नोएडा के सेक्टर 62 में और 66, 34, 35, 37 ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे, अब उन पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे निजात पाएंगे इस मुसीबत से? देखो नमित, उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है क्योंकि निवेशकों ने एक सपनों का घर अपना चुना था कि यहाँ पर हमारे सपनों का आशियाना बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आशियाना बनने से पहले ही वो बिखर चुका है। अब जब तक ग्रीन टर्मिनल का कोई फैसला नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता नमित। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और जेपी ग्रुप ने चुनौती आगे दी थी आगे हाई कोर्ट को, क्योंकि इस वजह से दी थी क्योंकि जेपी ग्रुप के सबसे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। तो अब और भी कई बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, अब वो भी सभी बहुत परेशान हैं, सभी सकते में आ गए कि अब क्या हो। और ख़ास तौर पर जो जनता है, जनता इस फैसले की बहुत बड़ी मार खा रही है। देख सकते हैं कि पक्षियों के लिए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अंदर चलेंगे, आपको अंदर भी दिखाएंगे आखिर अंदर पक्षी किस तरीके से रहते हैं। इस वक्त सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम जायजा ले रहे हैं ओखला पक्षी विहार का। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नजारा है, आप देख सकते हैं आसपास पक्षी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हवा चल रही है। और इस वक्त मौसम, जहां बाहर गर्मी का मौसम है और इस वक्त यहां का नज़ारा तो कुछ और ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना सही था बिल्डर्स का इन मासूम पंछियों को नुकसान पहुंचाने का? क्योंकि ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जिस वजह से इन मासूम जानों को आने वाले भविष्य में कितना ही ज्यादा खतरा है। ये एक खुशी की खबर है क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी देखा कि पक्षी जो थे उनके लिए कोई सोच नहीं रहा था। अब आगे चलेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे आखिर अंदर का क्या माहौल है। तो आज हमने जायजा लिया ओखला पक्षी विहार का और ये जाना कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं और पक्षियों का, यहाँ के मौसम का, माहौल का हमने सारा जायजा लिया। अब बस इंतजार है तो एनजीटी के फैसले का कि वो क्या फैसला लेते हैं।
तो आज हमने पूरे पक्षी विहार का जायजा लिया और जाना के अंदर किस तरीके से पक्षी रहते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ और अपने सहयोगी मनु लुकोत्रा के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। एक तरफ नेचर को बचाने की बात की जाती है, पक्षियों को बचाने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो जहन में सवाल ये उठता है कि साथ किसका दिया जाए, प्रकृति का उसके नष्ट होते हुए, क्या उसकी संरक्षण की बात की जाए, या फिर कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है उनके बारे में सोचे जाए। जाहिर है मसला जो है काफ़ी गंभीर है, लेकिन तपन जी अक्सर बात यही की जाती है कि नेचर को बचाया जाना चाहिए, नेचर को बचाने की यहाँ पर कोशिश भी हो रही है। जिम्मेदारी क्या सिर्फ गवर्नमेंट की या ऐसी संस्थाओं की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाएँ हैं उनकी सिर्फ यहीं तक सीमित है, ये जो जिम्मेदारी है क्या आगे तक नहीं बढ़ती है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आज से 22 साल पहले भारत सरकार ने रियो में जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर जो ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, दस्तखत करके भारत सरकार चली आई, कहा कि हम अपने देश में पशु पक्षियों की रक्षा करने के हर नियम का पालन करेंगे। इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने भी उस पर मुहर लगा दी, सभी तरफ से होने के बाद संसद में उस पर कानून बन गया। 2010 में एनजीटी अस्तित्व में आ गया। 2010 में जब एनजीटी अस्तित्व में आया उस वक्त भी जो बाद में उसके बाद से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे या एक या दो मंजिल पर थे या टेंडरिंग हो रहे थे, उस समय नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और दिल्ली में डीडीए को इस तरह के निर्देश मिलते या वो स्वयं पहल करते कि इन सेवाओं के लिए किस मंजिल तक की इजाज़त दी जाए, क्या 4 मंजिल की इजाज़त दें या 5 मंजिल को, पशु पक्षी के लिहाज से पर्यावरण विद की क्या सलाह है, इसका अनुपालन नहीं हुआ। और यदि माना जाए कि ये गलती हो ही गई तो उन्हें नोएडा को तो नारायण दत्त तिवारी ने बसाया था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो यदि पशु पक्षियों की बात की जाए, ये पक्षी विहार तो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बिल्कुल, तो उस समय ये नोएडा शहर को बसाना ही नहीं चाहिए था। नोएडा शहर जो यमुना नदी के पश्चिम दिशा में बसाया गया, यह सोच के बसाया गया था कि दिल्ली में आबादी बढ़ गई है और यमुना के इस पार लाया जाए। संजय गांधी और नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे दोनों इस शहर आए थे इस जगह पर। इस जगह पर यह खेत और खलिहान हुआ करता था और बड़ी बंजर जमीन थी, बहुत खेती भी नहीं होती थी। उन दोनों को बहुत ये जगह पसंद आई। संजय गांधी ने कहा कि नारायण जी आप बढ़िए, और उसके बाद नोएडा शहर ने अपने आप ये रूप ले लिया। मुझे हैरानी हो रही है कि जब पर्यावरण की रक्षा करनी थी, हमें अपने पक्षियों की रक्षा करनी थी, तो इस नोएडा शहर को 10 किलोमीटर के दायरे में बसाना ही नहीं चाहिए था, हमें 10 किलोमीटर आगे चला जाना चाहिए था। ये बस ये हैरानी है और बेवकूफ और जो परेशानियों के जो जाल में फंसा है वो भोला भाला हमारा जो ग्राहक है वो फंस गया है, जो फ्लैट खरीदता है वो कहीं ना कहीं। मृत्युंजय जी, ये जो पूरा मसला है, इस मसले पर आकर एक चीज ये भी जहन में जरूर आती है कि नेचर को बचाने की बात एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। क्या ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है? क्या वो तमाम बिल्डर्स जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो बार बार अपनी चीज़ें या फिर जो दूरी का जो पैमाना है उसे क्लियर नहीं कर रही है, उसका खामियाजा क्या नेचर को भरना पड़ेगा? मृत्युंजय आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए संपर्क फिलहाल शायद हमारा मृत्युंजय से टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, आपसे सवाल ये मेरा है कि कंज्यूमर परेशान होता है, जाहिर है पूरा मसला जो है वो कंज्यूमर पर आकर टिक जाता है क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है, अपनी गाढ़ी कमाई को उसमें खर्च करता है, लेकिन आखिर में आकर उसे कुछ नहीं मिल रहा है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ से उलट एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि नेचर को बचाने की बात की जा रही है, इन्वेस्टर परेशान है, कंज्यूमर परेशान है एक बात है, लेकिन नेचर को बचाना भी तो ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से जितने लोगों ने फ्लैट लिया है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसके अगेंस्ट में सोच रहा होगा। प्रॉब्लम यह है कि उसको ऑप्शन दिया गया वहां पे, बिल्डर्स ने चाहे नॉर्म्स वायलेट किया या जो भी किया, बैंक्स ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, एंड देन कंज्यूमर लास्ट में आता है एंड उसके बाद हर महीने की अपनी ईएमआई और जो भी वो बैंक को दे रहा है। जिस भी स्टेज पे चाहे वो अथॉरिटीज हो या वो बिल्डर्स हो, बिल्डर्स को तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, वॉयलेट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में फंसता है कंज्यूमर। जिस भी स्टेज पे किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, अथॉरिटी या जिसको भी ये चीज पता चला, क्या कभी किसी ने कम्युनिकेट किया, किसी ने किसी स्टेज पे जाके उसको रोकने की कोशिश की? आज
बिल्डर कंज्यूमर फंसा हुआ है। अब हमारे अपने देश में क्या कभी कभी कोई ऐसी एक एजेंसी बनेगी जो इन सारे स्टेप्स को मॉनिटर कर पाएगी, कंज्यूमर्स का बेनिफिट देख पाएगी, रेट्स बढ़ रहे हैं, ईएमआईज बढ़ रही हैं, और एंड में जाके कंज्यूमर फंस जाता है इस तरह के डिसीजन में, चाहे वो बॉम्बे हो, कोकोकोला सोसाइटी हो, या आज दिल्ली का पक्षी बिहार हो, और पता नहीं आगे कितने आएंगे। वैसे एक ही काफी कम समय के अंदर इस तरीके के काफी प्रोजेक्ट सामने आए हैं। क्या हिमांशु जी, क्या अब ऐसा कोई लॉ है जिसमें इस तरीके की बातें सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि काफी मसले हैं बिल्डर्स को लेकर भी। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होता है वो परेशान होता है, कई बार कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, पोजेशन टाइम पर नहीं मिलता है, और भी काफी इतनी चीजें हैं जिस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया जा सकता है। तो क्या कोई लॉ है, और अगर है तो उसमें किस तरीके के प्रावधान है किसी कंज्यूमर के लिए अगर इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो? देखिए, मैं पैनल के सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो एक डिस्क्रिप्शन बड़ा चैलेंजिंग है इसमें कि विधायिका कानून बनाती है और कोर्ट उस कानून को कार्यान्वित करता है। तो आप बार बार, या फिर जो भी पैनल पर लोग थे, बार बार ये बात कह रहे थे कि एनजीटी ने कानून पास किया, ऐसा कुछ नहीं है। एनजीटी ने तो केवल ये कहा है कि आप नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन ले आइए, और वो परमिशन ना होने के कारण ही उनका ये प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा। जब वो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को जस्टिस के एस खेर नागप्पा ने ये पाया कि भाई एनजीटी ने जो अपना ऑर्डर पास किया उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी, इस बेस पे उन्होंने उस ऑर्डर को एज इट इज़ रहने दिया। इस सब चीज़ों में अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नुकसान कंज्यूमर का होता है, तो इनफेक्ट कंज्यूमर का नुकसान होता है, पर इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है बिल्डर की, इसमें गलती है अथॉरिटीज की। उसी की बात हमें 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 ये नहीं भूलना चाहिए कि अथॉरिटीज भी उतनी ही लायबल हैं, बिल्कुल, क्योंकि अथॉरिटीज को ये दिया गया था राइट हमारे सभी विधायिका के नोटिफिकेशंस में कि आप सुपरवाइज करोगे, आप बिल्डर के जितने भी काम हो रहे हैं उनको सुपरवाइज करोगे, उनको सैंक्शंस ग्रांट करोगे, और अगर सैंक्शंस ग्रांट करने में आपने गलती करी, जैसा सुपरटेक के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कहा है कि अगर सुपरटेक के साथ में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग भी लायबल हैं तो उनको भी उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि पनिशमेंट मिलना चाहिए सबको। प्रदीप मिश्रा जी, जो बात यहाँ पर हिमांशु जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरऑल आकर कंज्यूमर्स पर ही बात आती है कि यहाँ पर जो पूरा भुगतान है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अपनी गाड़ी कमाई को खोकर कर रहा है। क्या इसके लिए कहीं ना कहीं बिल्डर्स जो हैं, जो नेगलेक्ट करते हैं इस तरीके के कानूनों को, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स नहीं लेते हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें पनिश करने के बजाय कंज्यूमर्स पर पूरी लायबिलिटी आ जाती है, क्या इस पर कहीं ना कहीं कंपनसेशन जो है बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को सील करके, उसकी बिडिंग करके या कुछ भी किया जाए, कंपनसेशन जो है वो एट लास्ट आकर कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही। सबसे पहले तो लायबल कौन है उसको ट्रेस करना चाहिए। जैसे अगर अथॉरिटी लायबल है तो अथॉरिटी को पेनलाइज किया करना चाहिए, और अगर डेवलपर है तो डेवलपर को करना चाहिए। लेकिन जब हम बायर की बात करते हैं, बायर एक प्रॉपर्टी खरीदने जब निकलता है तो अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, पहले क्या होता था कि पूरी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लोग रिटायरमेंट के बाद एक प्रॉपर्टी बाय करते थे, जो कि 40-50 ईयर्स की एज में एक प्रॉपर्टी वो बाय कर पाते थे। अब जिस हिसाब से प्रॉपर्टी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, उस हिसाब से नए बायर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, जो कि आज 25 इयर्स की एज में भी ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर्टी बाय कर लें, जिसमें हस्बैंड वाइफ करीब करीब दोनों वर्किंग होते हैं, और वो किसी तरह अपने लेवल पे जितनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं उसके बाद एक प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। अब पहली चीज, उनके पास कितनी नॉलेज है। जब अब जो वो देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, उस आधार पे वो नॉलेज इकट्ठी करके वो डेवलपर से सारी अप्रूवल्स की डिमांड करते हैं। लेकिन डेवलपर को अथॉरिटी से इतनी सारी अप्रूवल्स लेनी होती है कि बायर जो कि एक 25 इयर्स की एज में प्रॉपर्टी खरीदने के निकला है, वो उतनी सारी अप्रूवल्स को वेरीफाई नहीं कर पाता। इसके लिए वो बैंक लोन का सहारा भी लेता है, क्योंकि इस एज में अक्सर लोग बैंक अगर दे रहा है लोन दे रहा है तो आई थिंक प्रॉपर्टी जो होगी वो सही होगी, लीगलाइज होगी। जब बैंक का रोल आता है, जब हम बात कर रहे हैं पेनलाइज करने की, तो बैंक का भी रोल है। बैंक सारी अप्रूवल्स को क्या वेरीफाई कर रहा है। यही केस पिछले कुछ दिनों में नोएडा में कई केसेस आए। अब नोएडा एक्सटेंशन एक आपके सामने अच्छा उदाहरण है, उसके बाद सुपरटेक का मामला। अब ये सारे केसेस में बायर इतनी ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता। अब पेनलाइज मैं कहता हूं कि अथॉरिटी को भी करना चाहिए, डेवलपर को भी करना चाहिए, जो कि इन चीजों को सही ढंग से अनदेखी कर रहे हैं और अप्रूवल्स ग्रांट कर रहे हैं जिसपे वहां प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जी मृत्युंजय, कहीं ना कहीं बैंक जो है वो भी
किसी भी प्रोजेक्ट में लोन देते वक्त जो उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है उसे करता है, लेकिन वो सही नहीं होती लास्ट में आकर इस तरीके के मामलों में। कंज्यूमर जो है वो फाइनली आकर ईएमआई के चक्कर में फंस जाता है, उसे 30 लाख का, 40 लाख का या 50 लाख का जो उसने फ्लैट लिया है उसकी ईएमआई भी भरनी है और फाइनली आकर उसको प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है। इन चीज़ों में ये जो पेनल्टी है ये सिर्फ क्या कंज्यूमर का ही दायित्व है भरने की? क्या उन तमाम बिल्डर्स को जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं उन्हें पेनल्टी नहीं किया जाना चाहिए इन तरीके के मामलों में? देंगे कंज्यूमर कब अटैच होता है? एक कंज्यूमर बिल्डर से कब अटैच होता है? जब कंज्यूमर लैंड परचेज करता है, गवर्नमेंट एसओटी से परचेज करता है। मैं केवल अभी नोएडा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे जी। वो एक कंज्यूमर तो अटैच होता है जब हमारी 40% लैंड की पेमेंट हो जाती है, तब जाके कंज्यूमर अटैच होता है। 40% पेमेंट लेते वक्त क्या गवर्नमेंट बॉडी को यह दिखाई नहीं पड़ता जो लैंड मैंने बिल्डर को टेंडर के थ्रू और अलॉटमेंट के थ्रू दिया है वो इलीगल है? क्या हमने उसको किसानों से नहीं दिया? क्या हमने मुआवजा नहीं पेमेंट किया? क्या ये पॉल्यूशन एक्ट में आता है? क्या एनजीटी के इस धारे में आता है कि नहीं आता? तब तक बिल्डर का 40% पेमेंट ऑलरेडी डिपॉजिट कर जाता है। ये 40% पेमेंट नॉट इन द लैक्स, 40% पेमेंट इज इन द करोड़। वो तमाम चीजें उस समय कंज्यूमर कहीं भी अटैच नहीं होता है। यदि आप उस वक्त रोकते तो बिल्डर का पैसा, क्या एसओटी ने कभी बिल्डर का पैसा विद इंटरेस्ट लौटाने की बात की है? कभी नहीं बात की। सेकंड थिंग, आप यहाँ पर अभी हम कंज्यूमर पे नहीं आता कि मैं बिल्डर पे। 2012 में जो बिल्डर की एसोसिएशन क्रेडाई ने ये बोला कि कुछ बिल्डर्स लोग अपने विदाउट लैंड परचेज या विदाउट एनी परमिशन वो मार्केट पर अपना माल बेचते, उसको क्रेडाई ने बिल्डर का जो अपना खुद की एसोसिएशन है जो आज के डेट में रिकॉग्नाइज है ऑल ओवर इंडिया, उसने कहा कि आप अपने जब एनी एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें कृपया आप अपना रजिस्ट्री मार्क, जो रजिस्ट्री का नंबर है वो लिखेंगे, आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, क्या उसका डॉक्यूमेंट नंबर है, वो सारा मेंशन करेंगे ईच एंड एडवर्टीजमेंट पे। यहाँ तक बैंक भी सिक्योर्ड हो जाता है कि नहीं इनकी रजिस्ट्री हो रखी है, इसका बैंकिंग अप्रूव्ड हो रखा है, इसको सारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट मिल चुका है जी। तब तक कस्टमर, तब तक कंज्यूमर उसके पास अटैच नहीं होता है। जब हमारे पास बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होके जब हम काम स्टार्ट करते हैं एज पर द लॉ ऑफ द क्रेडाई, एज पर द लॉ ऑफ द बिल्डर एक्ट, यदि हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद कस्टमर जाके हमसे अटैच होते हैं, तब तक बिल्डर का ऑलरेडी 50-55% पैसा इन्वेस्ट हो चुका होता है। अब उसके बाद आप कहते हैं कि कंज्यूमर, कंज्यूमर हमें कितना पेमेंट देता है? पर आप इससे गौर कीजिए, कंज्यूमर हमें पेमेंट देता है 5-10% ऑन द बुकिंग अमाउंट, जो एक मार्जिनल कुछ भी नहीं होता है। और उस वक्त आप बोलते हैं कि कंज्यूमर ही सफर, कंज्यूमर कहां से सफर हो गया? सबसे पहले तो बिल्डर सफर होता है जिसका 50-55% वाला लॉजिक है। लेकिन लेकिन मित्र जी, सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है उसमें नेगलिजेंस किसी चीज के करने की शुरुआत जो है वो भी तो बिल्डर की तरफ से ही हुई है। अगर इसी मामले की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि एनजीटी की तरफ से 2 साल पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया कि आप जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं लिया गया। अब आप लोग कहीं ना कहीं, या तो मैं सिर्फ आपके पर्टिकुलर एक ग्रुप की नहीं, मैं तमाम, एक आपको छोटा सा जवाब देना चाहता हूं जी। और ये जो एनजीटी ने 2011 में नोटिफिकेशन जारी किया और उसने सारे बिल्डर्स को, चाहे जिस भी एसोसिएशन को, एसओटी को उसने लेटर इशू किया जी, एनजीटी ने 2004 गोवा फाउंडेशन वाले के बेस पे किया। मैं पहले भी इस मीटिंग में कह चुका हूं कि 2004 जो गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसके बेस पे ये 10 किलोमीटर का मार्क करके ये इन्होंने लेटर इशू कर दिया जी। जिसको ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट 2012 सितंबर में अपने असेंबली में पास करके कि ये 1 किलोमीटर का होगा, इसको सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजता है। जयराम रमेशन ने उसको कैबिनेट में पेश करते हैं लेकिन ये पास नहीं होता है, ठीक है, वो रिवर्स एक्ट आता है, दैट शांति मैडम मिनिस्टर बन जाती है। आप इसमें विल पावर यदि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो आप बताएं इसमें बिल्डर का क्या प्रॉब्लम है, इसमें अथॉरिटी कहां से दोषपूर्ण हो जाती है और कंज्यूमर कहां से इसमें प्रॉब्लम आ जाता है? ये जो आप इसका बेस में जाएंगे, इसके बॉटम में आप जाके देखें तो आप एनजीटी कब लेके आते हैं? एनजीटी आप लेके आते हैं 2004 से, इसकी फॉर्मेशन होती है, इसका पहला केस होता है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में लातूर में होता है, उसके बाद आप गुजरात में जाते हो, फिर आप आते हो, आप एनजीटी को लेके आप आते हो बर्ड सेंचुरी में ओखला पे। 2009 से 2011 बर्ड सेंचुरी चलती नहीं है आपकी, उसमें आपने परमिशन दिल्ली को देते हो। आज आप बोलते हो कंज्यूमर इन्वॉल्व है, कंज्यूमर कहां जाएगा?
आप मुझे ये बताओ जो बिल्डर 55% पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो कहाँ जाएगा? हमारे लिए, हमें कोर्ट नहीं समझता है, हमें पब्लिक कहती है कि आप गलत हो क्योंकि आपने परमिशन को माना नहीं, हम एसओटी के पास जाते, एसओटी विद इंटरेस्ट हमें पैसा नहीं लौटा था। ठीक ठीक है मृत्युंजय जी, हिमांशु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एनजीटी ने एक्शन लेने में देरी की है, ओवरऑल यहाँ पर जो बात है ये बिल्डर्स की तरफ से यही कही गई है कि एनजीटी जो है देरी की वजह से, यानी कि जब पूरा इन्वेस्टमेंट वहां पर हो चुका है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जो या तो कंप्लीट हो चुके हैं या लगभग कंप्लीशन की ओर हैं, अब उस पर इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं रियल स्टेट सेक्टर को हतोत्साहित करने की बात है। नहीं जी, मैं इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन्होंने एक बात कही उसका मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने अभी ये बात कही कि गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले थी, लेट द यही जस्टिस के एस खेर ने अभी जब एसएलपी में गए थे जेपी ग्रीन वाले, ऑन 10th June ये मैटर जब डिसाइड हुआ था तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द डिसीजन इन द मैटर, यही वर्ड कोट अनकोट थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, चाहे कैंपाकोला सोसाइटी, सुपरटेक, चाहे जेपी ग्रीन्स, जी मामला कहीं ना कहीं आकर बिल्डर्स और अथॉरिटीज़ के बीच कनाइवेंस का बनता है। गवर्नमेंट के पार्ट पर डिले हो सकती है, पर मैं ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि गवर्नमेंट कोर्ट के पार्ट पर कभी डिले हुई थी। जी, कोर्ट उस चीज़ का संज्ञान तभी लेता है जब कोई गवर्नमेंट ने उसमें कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर्स या फिर कोई रूल और कानून बना रखा हो। जी, तो कोर्ट के सामने जब मैं जाऊंगा तब मैं उस चीज़ को रेटिफाई कर पाऊंगा कि जी लुक हियर, ये देखिए और इसमें ये कानून है और इस कानून की अवमानना हो रही है इसलिए आप एक्शन लीजिए, उसके बाद ही कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। अगर ये बिल्डर्स की कोई भी ऐसी ग्रीवांस थी तो क्या इन्होंने आज तक कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करी? जी, 2013 में इनका ये डिसीजन आया था एनजीटी के पास में, क्या इन्होंने रिकॉलिंग का कोई भी ऐसा मोडस अपनाया? क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन लेके गए? और गए तो उन्होंने कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिया? क्या रिप्रेजेंटेशन डिसाइड ना होने के बाद में इन्होंने एनजीटी के सामने उसको रखा कि लुक हियर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रीजन दिए हैं हमें और इस रीजन पे इन्होंने सेटिस्फाई नहीं करा? प्रदीप मिश्रा जी, जी बिल्कुल, एक खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि अंसल की एक याचिका थी जो अपने उसके अपार्टमेंट का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। तो हम लगातार देख रहे हैं मंशु जी कि कहीं ना कहीं विवाद जो है जुडिशियल घेरे में आ रहा है और एक पर एक अपार्टमेंट, इसका विस्तार से हम जानकारी लेंगे थोड़ी देर में कि अंसल की जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, ये भी पोजीशन का ही मामला होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम, आपकी बात सही है कि एनजीटी संसद के बनाए हुए कानूनों का ही पालन कर रही है, और सुमित एक बात का ध्यान रखे, सबको दर्शकों को ये हम बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट के बराबर का दर्जा है, वो उसमें यदि कोई फैसला हो जाता है अंतिम तौर पर तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप हाईकोर्ट मानिए और हाईकोर्ट के बराबर का दर्जा है पूरे देश में, कहीं भी हरियाली को लेकर, वन को लेकर, वन्य प्राणी और पशु पक्षी सबके लिए, तो ये इसका दायित्व बनता है, इसका बहुत बड़ा दायित्व है और इसमें हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत बंधे हुए हैं। इसमें दिक्कत क्या हो रही है हिमांशु जी कि संसद जो है, जो कार्यपालिका है वो मौन होकर तमाशा देख रही है, वो कैंपाकोला का मामला हो या नोएडा का मामला है, ये जब मामला बहुत बढ़ जाता है और अरबों खरबों रुपया निवेशकों के हाथ से निकल गया बिल्डर में, मृत्युंजय जी की बात से मैं सहमत हूं कि 40% पैसा हमारी जेब से निकल गया, हमने तब तक कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं किया, नोएडा अथॉरिटी इन्वॉल्व है, नोएडा अथॉरिटी में एक नहीं हजार सैकड़ों ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं, क्या यह काम वो पर्यावरण की नज़र से इसकी जांच नहीं करवा सकते थे? उनके पास वकीलों की एक फौज होती है, उनसे ये जांच नहीं करवा सकते हैं कि आप अंत में निवेशकों को फंसा देते हैं? तो कहीं ना कहीं सरासर गलती नोएडा अथॉरिटी और यूपी सरकार और राज्य सरकारों की दिख रही है, उनकी जवाबदेही बनती है कि भोले भाले निवेशकों को न फंसावे, इसमें बिल्डर भी पिस जाता है और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है जिस हम प्रोग्राम के जरिए बताना चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के फैसले आते रहे और लापरवाहियां होती रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना जरूरी है। इस सेक्टर के जरिए 350 इंडस्ट्री चल रही है, सरिया, सीमेंट, लकड़ी, वुडन वर्क, टाइल्स,
अनगिनत चल रहे हैं, 350 आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, सरकार सोई हुई है, संसद को इस बारे में जल्द से जल्द जो भी अमेंडमेंट लाना है करना चाहिए। लेकिन राजीव रंजन जी, ये जो मैसेज कन्वे हुआ है इन पूरे मामलों के बाद, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो आदर्श सोसाइटी का मामला हो, चाहे वो सुपरटेक का मसला हो, चाहे फिर फिलहाल अब जिस प्रोजेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका मसला हो, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के बाद और इन तमाम चीजों के बाद आखिर मैसेज क्या कन्वे हुआ है, कंज्यूमर को क्या पता चला है? आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कंज्यूमर किसी पे ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अथॉरिटीज हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो। आज के टाइम पे कंज्यूमर को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे सारे लोग जाके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जो सफर करता है, जिसकी लाइफ सफर करती है, भाई साहब ने एक अच्छा एग्जांपल दिया कि पहले ट्रेडिशन था कि लोग 45 के ऊपर जाके घर की बात सोचते थे, आज के चेंज वाले इन्वायरमेंट में आज 25 साल का भी पर्सन जो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव के ऊपर काम करता है वो एक फ्लैट खरीद सकता है और उसके ऊपर उसके पास इतनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या ये जरूरी नहीं है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ऐसा एक इन्फो अथॉरिटी बनाई जाए जो टाइम टू टाइम मॉनिटर करे इन चीजों को, ऑब्जर्व करे। उस पर इतना बवाल हो रहा है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज यहाँ पे लाखों लोग सफर करते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री आज सफर करने के कंडीशन में बैठी हुई है, जहाँ पे मोटे मोटे पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है। जी, आज राजू जी की बात से मैं सहमत हूँ कि खरीद फरोख्त में अभी क्या हो रहा है, गलती मैं शॉर्ट में बता दूं, गलती क्या हो रही है कि जिस तरह शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की ढूंढते हैं गुपचुप, बताते नहीं रिश्तेदारों को, तो आजकल लोग फ्लैट और मकान भी गुपचुप खरीदते हैं, जानकारी नहीं लेते। इसमें इन्वेस्टर क्लिनिक ऐसा हो जहां वकील हो, एक्सपर्ट हो, वो बता सके। हिमांशु जी, मैं आप एक, इसमें एक पूरा कंक्लूजन ये है कि सामने अब रास्ता क्या दिखता है, अगर आप कम शब्दों में बता पाए। जी, रास्ता तो केवल इतना दिखता है कि बिल्डर को चाहिए कि वो जाके गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन दे, गवर्नमेंट उस रिप्रेजेंटेशन को पॉजिटिवली डिसाइड करे और वो कंज्यूमर के फेवर में डिसाइड करे। अल्टीमेटली बात ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस दोनों का था, कुछ भी था, पर्पस इसमें कंज्यूमर रहा है, तो कंज्यूमर के बेनिफिट में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली कंज्यूमर का पूरा हार्ड अर्न मनी है, उसने अपने जिंदगी में एक आशियाने का एक भरोसा दिया था और उस भरोसे पे अगर पूरा नहीं होता। छोटा सा कमेंट ये चाहूंगा कि इस पूरे इन तरीके के प्रोजेक्ट के सामने आने के या फिर इस तरीके के मसले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगेगा कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो भरोसेमंद सेक्टर नहीं है, वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, हर तबके के लोगों ने, हर एज के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो नोएडा के केसेस ऐसे कई सामने आए और पूरे में कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस तरह लोग थोड़ा सा सिक्योर फील नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो सही कन्वे नहीं होगा लोगों के बीच में। बहरहाल, आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसला अब यही है कि लोग अब इन्वेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार महंगाई को रोकने की बात कर रही है, लेकिन क्या रियल एस्टेट सेक्टर जैसे एक बड़े मार्केट को इस तरीके से नजरअंदाज करना भारी तो नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को भी? बहरहाल, इस पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।